हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय पर्सनल पोस्ट मेकअप स्किन केयर रूटीन। मेरे को मेकअप करे हुए भी 3-4 घंटे हो गए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी है और अब मैं करने वाली हूँ पोस्ट मेकअप स्किन केयर रूटीन। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं अगर आप बहुत हैवी मेकअप लगाते हो और स्पेशली वाटरप्रूफ मेकअप होता है तो। तो यहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी सभी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो जैसे आप देख सकते हो मेकअप भी काफी हद तक कम हो गया है, लाइट हो गया है। और जनरली मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ अराउंड 2 PM और उसी में पूरा 4-5 घंटे रहती हूँ। शाम हो जाती है जब मुझे मेकअप रिमूव करना होता है। सो अभी शाम ही हो रही है और मुझे मेकअप रिमूव करना है, तो मैं बहुत अच्छे स्किन केयर करती हूँ। और जनरली मैं जो वीडियो शूट करती हूँ वो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही होती है। 3-4 वीडियो में पूरे दिन शूट कर लेती हूँ और पूरे हफ्ते वो मेरी चल जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं अपने मेकअप को रिमूव करूंगी। तो उससे पहले मैं अपने हेयर को टाइप कर लेती हूँ। एंड ये स्किन केयर रूटीन अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है आप फॉलो कर सकते हो, चाहे आपकी ड्राई हो, नॉर्मल हो या ऑयली हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। जो आपके पास रेगुलर कोकोनट ऑयल हो वो लेके अच्छे से आप मेकअप को रिमूव कर सकते हो। मैं जब भी हैवी मेकअप लगाती हूँ तो मैं कोई माइसिलर वाटर नहीं यूज करती, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा वाटरप्रूफ मेकअप होता है। जैस यू कैन सी, आज तो फिर भी मैंने इतना नहीं लगाया, बट अभी मस्कारा है, लिपस्टिक है, सब वाटरप्रूफ है और मेरी स्किन वैसे ड्राई भी है। तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ। थोड़ा सा अमाउंट लेके कोकोनट ऑयल का अच्छे से स्किन को मैं मसाज करती हूँ। इससे जो भी मेकअप लगाया है ना, हमारी स्किन को ड्राई करता है ना, तो ये हमारी स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है। तो मैं हमेशा कोकोनट ऑयल से ही मेकअप रिमूव करती हूँ। मेरे पास कोई माइसिलर वाटर हो या ना हो, हमेशा कोकोनट ऑयल होता है, क्योंकि ये मेरे पूरे बेस मेकअप को रिमूव कर देता है। और हम मेकअप का जो भी वीडियो शूट करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, आप लोग को पता ही है। फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, फिर कॉम्पैक्ट ब्लश, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो इसीलिए उसको मेल्ट करने के लिए ना सिर्फ एक यही चीज़ है जो अच्छे से मेकअप को निकाल देता है, वो भी पोर्स में से। एंड यू कैन सी, हमें स्किन खुद देख सकते हो कि ज़्यादा ऐशी लग रही है। इसकी वजह यही है कि मेरा पूरा मेकअप ही मेल्ट हो गया है। अगर मैं इसी में कोई माइसिलर वाटर यूज़ करती हूँ तो उससे इतना अच्छी तरह से मेकअप नहीं निकलता। माइसिलर वाटर मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे को लाइक सिर्फ आईज पे मेकअप लगाया हुआ है या फिर सिर्फ लिप्स पे मैंने कुछ लगाया हुआ है तो ही। अदरवाइज अगर मुझे फुल फेस मेकअप रिमूव करना होता है तो मैं हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ये जितने अच्छे से आपका मेकअप निकालेगा कोई प्रोडक्ट नहीं निकाल सकता है। आप नॉर्मल जो पैराशूट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैरिट विको का भी यूज़ कर सकते हैं, वाउस स्किन साइंस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बात करते करते आप देख भी सकते हो पूरा मेकअप निकल गया है एंड आप मेरी स्किन खुद देखो कितनी ज़्यादा डार्क हो गई है। अगर मैं यही माइसिलर वाटर से करती ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। ये बिल्कुल मैंने ट्राई कर रखा है, टेस्ट कर रखा है, तब मैं आपके साथ बता रही हूँ, अदरवाइज उससे इतनी जल्दी मेकअप नहीं निकलता। सो ये पूरा मेकअप मेरा मेल्ट हो गया। सो टिश्यू की हेल्प से मैं पूरे मेकअप को जो भी हमने लगाया है इसे रिमूव कर लूंगी और अपने ऑयल को रिमूव कर लूंगी, ताकि जितना भी मेकअप है वो रिमूव हो जाए। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद आपकी स्किन नरिश भी लगती है। एंड प्लीज़ कोकोनट ऑयल से ही रिमूव करना, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई और ऑयल, कैस्टर ऑयल, उन सब से मत रिमूव करना। जो ये काम करता है वो उतना कोई भी काम नहीं करता है। नाउ मूव ऑन टू सेकंड स्टेप जो है क्लींजिंग। उसके लिए आप अपना फेवरेट कोई भी फेस वॉश लेके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि आपका फेस वॉश बहुत जेंटल हो, क्योंकि मेकअप लगाने के बाद हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। कई बार रैशेस भी हो जाते हैं जब हम उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हम टिश्यूज को रब कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो आपके पास एक जेंटल फेस वॉश हो वो लेके आप मसाज करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ध्यान रखना कि अपने जो भी फेस वॉश ले रहे हो उसको कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से मसाज दो, ताकि अच्छे से वो मेकअप को भी रिमूव कर दे और जो आपके पोर्स में डर्ट है उसे भी रिमूव कर दे। सो मैं इसको रिंस कर लेती हूँ। सो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, रिंस कर लिया है एंड आप मेरी स्किन देख सकते हो बहुत क्लीन लग रही है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई अ फेस मास्क। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वीक में 1 बार ही वीडियो शूट करती हूँ, तो इस टाइम मैं ध्यान रखती हूँ कि मेकअप के बाद मैं अच्छी स्किन केयर करूँ,
तो मैं एक फेस मास्क अप्लाई जरूर करती हूँ। तो मैं आज जो यूज करने वाली हूँ वो है वाव स्किन साइंस का ये चॉकलेट कैफीन फेस मास्क। तो इस तरह का इसके मेन इंग्रेडिएंट है कोको बटर, कैफीन एंड कोको पाउडर। सो ये इस तरह का है, यू कैन सी बिल्कुल रियल चॉकलेट जैसा इसका फ्लेवर है, बहुत जेंटल है आपकी स्किन में। वाव के जितने भी प्रोडक्ट है वो पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को डल है तो उसको रिजनरेट करने में, ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। बात करते हैं प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है 499, जिसमें आपको मिल जाए 200 ml प्रोडक्ट। As I told you earlier, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि मैं मेकअप हफ्ते में एक बार अप्लाई करती हूँ, तो इसलिए मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ। आप डायरेक्टली से फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह के स्पैचुला से भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी कन्वीनियंटली अप्लाई हो जाता है। तो वीक में एक बार मास्क लगाना ज़रूरी है, एंड इसमें कैफीन है, कोको पाउडर है, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन को सूथ करने में हेल्प करेगा, काम करेगा। साथ में अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको कहीं पे स्कार्स रह गए हैं जो बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तो उसको भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसको आप फिंगर से भी लगा सकते हो। ये मास्क रेडी टू यूज़ होते हैं, इनमें कोई भी आपको अलग से रोज वाटर, हनी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट टब ओपन करो एंड यू कैन अप्लाई इट। सो ये काफ़ी कन्वीनियंट है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं फेस मास्क में, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, बट दिस पर्टिकुलर वन इज माय फेवरेट क्योंकि इससे बहुत रिफ्रेशिंग आता है फील, और इससे आपका जो भी मेकअप है ना वो इजिली निकल जाता है, लाइक अगर कुछ रह भी गया होगा रेसिड्यू तो वो भी निकल जाता है। वीक में मैं एक बार इसे ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि इससे मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सप्पल हो जाती है एंड एक अच्छा सा ग्लो भी मिलता है। तो मेकअप के बाद मुझे अपनी अच्छी स्किन केयर चाहिए होती है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। वाव के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पैराबेन फ्री हैं, सिलिकॉन फ्री हैं। वाव एक टोटली मेड इन इंडियन ब्रांड है, तो इसलिए मैं इसके प्रोडक्ट को प्रेफर करती हूँ, और जनरली हर स्किन टाइप को सूट भी हो जाते हैं, बहुत चीपर है बट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो मैंने इसे अप्लाई कर लिया और इसे मैं आराम से 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, इतने आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इट्स बीन 25 minutes एंड यू कैन सी इट ड्राई कम्प्लीटली, और फेस थोड़ा ना खिंचा खिंचा लगता है, तो दिस इज द राइट इंडिकेशन कि आपको अपने फेस को वॉश करना चाहिए और रिमूव योर फेस मास्क। सो मैं इसको रिंस कर रही हूँ, मैं अच्छे से इसको स्क्रब करके फिर रिमूव करती हूँ क्योंकि मैंने कोई स्क्रब नहीं लगाया। तो इस तरह से करने से, जैसे हम फेस वॉश से करते हैं वैसे करने से आपके जो डेड लेयर है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इसे वाइप ऑफ ना करके अच्छे से इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करके रिमूव करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो एक बार मैं वो रिमूव कर लेती हूँ, देन आई विल बी राइट बैक। सो आई जस्ट रिंस माई फेस एंड यू कैन सी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल लग रही है, बिल्कुल मैं पास से क्लोजअप दिखा रही हूँ एंड लिटरली लगेगा कि आपने मक्खन में अपना फेस धो लिया है, इतना ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है। एंड लिटरली आपकी स्किन बहुत काम एंड सूथ हो जाएगी, एंड यू आर नॉट अलाउड टू वॉश योर फेस एट लीस्ट 24 hours, तो कोई भी फेस वॉश मत यूज़ करना। सो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बाकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो मैं अब 24 hours तक कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करने वाली हूँ, एंड यू कैन सी माई स्किन, सो लिटरली बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल हो जाएगी एंड बहुत हाइड्रेटेड भी लग रही है। सो द लास्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर रूटीन इज टू यूज़ आ सीरम। सो नाइट को मैं यूज़ कर रही हूँ ये कैफीन फेस सीरम, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये ऑयल फ्री टेक्स्चर के साथ, तो समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो दिस इज द सीरम जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, मैं हर नाइट को इसे ही यूज़ करती हूँ फेस मास्क, और ये दोनों ही मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं इस टाइम। और फेस मास्क मैं वीक में एक बार यूज़ करती हूँ एंड सीरम मैं कॉन्स्टेंटली डेली यूज़ करती हूँ। सो दिस इज द सीरम एंड इसके टेक्स्चर की बात करें तो ऑयल फ्री टेक्स्चर के साथ है, यू कैन सी इजिली आपके फेस पे ये पेनिट्रेट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें कैफीन और कॉफी ग्लिसरीन भी है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमने बचपन में वो कॉफ़ी वाली टॉफीज खाई होंगी ना कभी, ये उस जैसी स्मेल करता है, बिल्कुल लिटरली स्मेल लाइक हेवन, और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, जो रियल जो कॉफ़ी है चॉकलेट की स्मेल आती है ना वो। अगेन इस प्रोडक्ट में कोई पैराबिन नहीं है, सल्फर नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है एंड क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है। यू कैन सी लिटरली स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सप्पल हो जाती है। सो मैं जनरली यही स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ जब भी मुझे मेकअप करने के बाद कुछ करना होता है तो, एंड दिस प्रोडक्ट इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट, ये तो मैं हर डेली नाइट को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा सीरम चाहिए था एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ना टैनिंग की प्रॉब्लम है ना, ये उसको भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है, आपके रिंकल्स को भी
फाइन लाइन्स को भी अच्छे से मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है। एंड आप मेरी स्किन देख सकते हो, मेरी स्किन अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस सीरम लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल हो जाती है, यू कैन सी। सो ऑलमोस्ट अभी 8:30 हो रहे हैं एंड ये मेरा टाइम होता है इसी टाइम का स्किन केयर रूटीन का। और स्किन सच में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग लग रही है। सो यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज माई करंट स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ। इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आप चाहे हैवी मेकअप अप्लाई करें, थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करें, या फिर अगर आप बेयर स्किन भी है तब भी आप इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। वीक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस फेस मास्क इज डेफिनेटली अ हिडन जेम। ये आपकी स्किन को इतना स्मूथ, इतना काम करने में हेल्प करता है, साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप कोई ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई कर रहे तो गिव इट अ ट्राई। इसके बाद आपकी स्किन की जो हाइड्रेशन है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है, शिया बटर है, कॉफी एक्सट्रैक्ट है, तो ये आपकी स्किन को डीप टर्न अंदर से ही हाइड्रेट करने में, नरिश करने में हेल्प करती है। एंड दिस सीरम इज मैं डेली फॉलो कर रही हूँ, तो अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप आप डेली फॉलो कर सकते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन काफी अच्छे से रिजुनेट बनती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो भी मिलता है। सो दैट्स ऑल टुडे। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल हो। इस तरह की और सच वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दो ताकि आपको हर बार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय, टेक केयर।